हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ HDFC का सीनियर सिटीजन केयर FD स्कीम के बारे में। तो क्या है ये स्कीम और क्या इंटरेस्टेड करंटली प्रोवाइड कर रहा है HDFC सीनियर सिटीजन केयर FD स्कीम में, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब आप लोग को 60 इयर्स एंड अबव होना चाहिए तभी जाके आप लोग ये स्कीम में अप्लाई कर सकते हो HDFC बैंक में, ठीक है। उससे कम जो है आप लोग एलिजिबल नहीं रहोगे। और ये वीडियो जो है स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन के लिए है, ठीक है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है HDFC सीनियर सिटीजन केयर FD 2023 के बारे में। तो ये जो HDFC सीनियर सिटीजन केयर FD है, ये बहुत ही पुराना स्कीम है, ये 2020 से चालू है, ठीक है। ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक के दौरान से ये चालू है और ये जो स्कीम है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल July 7, 2023 तक। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो देन July 7, 2023 से पहले आप लोग को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो स्कीम है May 20 कोविड पेंडेमिक के दौरान स्टार्ट किया गया था और जो लास्ट डेट है एक्सटेंडेड डेट है वो है July 7, 2023 तक आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद शायद ये स्कीम बंद हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें जो है 7.75% आप लोग को मिल जाएगा टू एल्डरली पर्सन जो कि 60 इयर्स एंड अबव है, ठीक है। और उनको जो है 5 ईयर 1 डे टू 10 ईयर के बीच चॉइस करना है। ये FD जो है ये लॉन्गर टर्म के लिए है, एप्लीकेबल है। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप लोग लॉन्गर टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो रिसेंटली मॉडिफाई किया गया है इंटरेस्ट रेट वो उसमें जो है 4 ईयर के अबव में भी 7.75% या फिर 7.70% मिल रहा है, लेकिन वो 4 ईयर से लेके 5 ईयर के बीच है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो ताकि आपका इंटरेस्ट जो है कंटिन्यूसली आते रहे मंथली क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पे, तो आप लोग चॉइस कर सकते हो 5 ईयर 1 डे टू 10 ईयर के बीच, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ प्रीमैच्योर क्लोजर चार्जेस के बारे में। तो अगर आप लोग क्लोज करते हो ऑन और बिफोर 5 ईयर द इंटरेस्ट विल बी 1% लेस। मतलब अगर आप लोग 7.75 मिल रहा था और अगर आप लोग क्लोज करते हो बिफोर 5 ईयर तो 1% माइनस करना है आप लोग को, दैट इज 6.75 आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी अगर आप लोग क्लोज करते हो पोस्ट 5 ईयर मतलब 5 साल के बाद तो 1.25% का आप लोग यहाँ पे आप लोग को पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7.75 माइनस 1.25 6.50 आप लोग को मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है आप लोग को हेवी पेनल्टी देना पड़ रहा है, तो क्लोज मत कीजिएगा सो दैट आपका जो FD रेट है वो अच्छा रेट से आप लोग को इंटरेस्ट पेमेंट मिलता रहे, ठीक है। तो ये था प्रीमैच्योर क्लोजर के बारे में और इंटरेस्ट जो है 7.75 यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ FD कैलकुलेशन के बारे में। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो HDFC फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी कैलकुलेशन और अमाउंट। मैं यहाँ पे 6 ईयर का टेन्योर लिया हूँ, ठीक है, सीनियर सिटीजन केस 60 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 6 ईयर के बाद जो है 79,247 रुपीज मिल जाएगा और 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो सीनियर सिटीजन केस में 1,58,494 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो सीनियर सिटीजन केस में 3,16,989 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो सीनियर सिटीजन केस में 4,78,484 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 6,33,979 रुपीज मिल जाने वाला है। अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो 7,92,474 रुपीज मिल जाएगा। और अगर आप लोग 7 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो 11,94,64 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 9 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो 14,26,454 रुपीज मिल जाएगा। अगर आप लोग 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो 15,84,949 रुपीज यहाँ पे मिल जाने वाला है, जो कि सीनियर सिटीजन केस में एप्लीकेबल है, ठीक है, ये जो स्कीम है। और आप लोग को ध्यान रखने वाला बात है 5 ईयर 1 डे के वो आप लोग को सिलेक्ट करना है सो दैट आप लोग HDFC का सीनियर सिटीजन केयर FD स्कीम में आप लोग इन्वेस्टेड हो, ठीक है। और ये जो है ये स्ट्रिक्टली है फॉर सीनियर सिटीजन केस, ठीक है। और अगर आप लोग अपना अमाउंट के ऊपर जानना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन में मेरे को पिन कर सकते हो और ईयर भी आप लोग लिख लीजिएगा सो दैट मैं आप लोग को कैलकुलेशन करके बता दूंगा। और मैंने जो भी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है वो मैंने क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोग को ये पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था HDFC सीनियर सिटीजन केयर FD स्कीम के बारे में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।